हेलो ये अरुण पार, हमारे एक भाई हैं समृद्ध सक्सेना होजकास दिल्ली से। उन्होंने साल भर पहले होंडा सिटी खरीदी टॉप मॉडल 16 लाख रुपए दे के, और जैसे ही ये गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं इसके बाद क्या सीन होता है आप देख के चौंक जाने वाले हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें जिससे आपको पूरा इंसिडेंट समझ आ सके। एक्सीडेंट तो इंडिया में बहुत होते हैं लेकिन जो ये एक्सीडेंट है काफ़ी रेयर है। शोरूम से गाड़ी ये लेते हैं, डिलीवरी लेते हैं गाड़ी की और घर तक भी इनकी गाड़ी नहीं पहुँच पाती है। बीच में ही टाटा की एक गाड़ी इनके साथ क्या सीन कर देती है वो आज हम देखेंगे। असल में होता क्या है कि ये होंडा के शोरूम से अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेकर जैसे जा रहे होते हैं, बीच में एक ट्रैफिक सिग्नल यानी कि रेड लाइट आती है, वहाँ पे खड़े होते हैं तो पीछे से साइड से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टाटा हेक्सा आती है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी SUV है और जैसे ही ये होंडा सिटी से टकराती है तो इसका क्या सीन बनता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब आप चौंक जाएंगे टाटा की बिल्ड क्वालिटी देखकर इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे अब ये बात आ जाती है कि एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे। उन्होंने ब्रेक ही नहीं लिए, सीधे आके ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोक दी। समृद्ध भाई का कहना था कि किसी बड़ी कंपनी के ड्राइवर थे जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, यूपी की गाड़ी थी और एकदम से इतनी स्पीड में गाड़ी एकदम से पीछे से ठोक दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं होंडा सिटी का क्या हाल है फिलहाल। इसका जो पिछला बम्पर है और जो बूट का एरिया है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और आप यहीं पर अगर टाटा हेक्सा की बिल्ड क्वालिटी पर नज़र डालें तो नंबर प्लेट के अलावा आपको कोई 1% भी गाड़ी में डैमेज नहीं दिखेगा। अब आप ध्यान दीजिए विंडशील्ड पे इसके पे क्रैक क्यों है। अब आप जहाँ तक अंदाजा लगा लिया होगा, लगाया है तो कमेंट आप कर सकते हैं, बाकी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ही इन्होंने गाड़ी ठोकी, समृद्ध भाई नीचे उतरे गाड़ी को देखने के लिए और ये जो बंदे थे इसमें अपना जो शीशा वगैरह था या गाड़ी से नीचे नहीं आ रहे थे। इन्होंने गुस्से में फुल आदमी था, नई गाड़ी लेके आ रहे थे तभी इन्होंने इनके जो विंडशील्ड पे उस पर का मार दिया और उसकी वजह से जो पूरी विंडशील्ड है वो आप देख सकते हैं क्रैक हो गई। इसके बाद होंडा सिटी वाले भाई ने रोड रेस को सही न समझते हुए पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस ने 15,000 रुपये में इनका समझौता कराया, यानी कि टाटा हेक्सा वालों ने इस पूरे डैमेज को उनको 15,000 रुपये दिए। फिर इसके बाद ये अपनी नई कार को दोबारा सर्विस सेंटर ले गए और इनकी कार इस तरीके से घर तक भी नहीं पहुंची। अब यहाँ पे डैमेज देख लीजिए आप, सर्विस सेंटर पे ही समृद्ध भाई ने पूरी रिकॉर्डिंग करी थी कि क्या क्या डैमेज हुआ है। इंश्योरेंस पे गाड़ी वैसे तो कवर हुई थी, 37,000 रुपये का इसमें खर्चा आया था इस डैमेज का। पीछे का बूट और पिछला बम्पर आपने जो डैमेज देखा था उसका 37,000 रुपये लिए थे होंडा शोरूम वालों ने रिपेयरिंग के, जो कि इंश्योरेंस में ऑब्वियसली कवर हुआ था। बाकी आप यहां पे फोटोज देख सकते हैं जो भी डैमेज पार्ट था कार का। इस एक्सीडेंट को एक महीने के बाद इनकी गाड़ी पूरी तरीके से रिपेयर हो जाती है। तो यहाँ पे समृद्ध भाई को फाइल चार्ज के अलावा कोई पैसा नहीं देना पड़ा। सारा जो 37,000 रुपये का खर्चा था पूरा इंश्योरेंस ने बियर किया था, लेकिन 15,000 रुपये उन्होंने, बिल्कुल सही बात है, फिजिकली भी वो हैरेस हुए, मेंटली भी उनको परेशानी हुई क्योंकि बिल्कुल नई कार थी और नई कार की एक्साइटमेंट सभी को होती है। 16 लाख रुपये अगर उन्होंने स्पेंड किए हैं और गाड़ी घर तक भी नहीं पहुँची तो ये। बाकी यहाँ पे टाटा की गाड़ी तो तारीफ़ लायक है, ये बंदा तारीफ़ लायक नहीं है। जो गाड़ी है हेक्सा यहाँ पे बिल्ड वाल्टी उसको देख के जरूर चौंक जाएंगे। होंडा को इतना नुकसान पहुंचा दिया और खुद गाड़ी बिल्कुल सेफ खड़ी है, जिससे एक बार फिर साबित हो जाता है कि टाटा की कार्स की बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी क्या राय है दोनों ही गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।